देखिए ये ना हर गृहिणी ने किया है कि जैसे ही कुछ चेंज हाथ में आ जाए ना, छुट्टा पैसा जिसे हम कहते हैं, उसको कहीं ना कहीं छुपा कर हम जमा करते रहते हैं जी। और जब वो जमा हो जाती है, उस जमा पूंजी को हम इस्तेमाल करते हैं खुद के लिए नहीं, घर के लिए। जी हाँ, यही है आज की नारी, नहीं बरसों से नारी यही करती आई है। लेकिन कमाल की बात ये है कि आज भी किसी हाउसवाइफ से या होम मेकर से हम पूछे तो कहा जाता है कि भैया तुम घर में करती क्या हो। ये सवाल ही गलत है, ये मानसिकता ही गलत है। बहरहाल चलिए आपको लिए चलते हैं इमली के सेट पर, जहां सभी महिलाएं यही पूछ रही हैं कि ये क्यों पूछा जाता है हर गृहिणी से कि आखिरकार तुम करती क्या हो। कभी अपने पर्स में, तो कभी कबर्ड के डब्बे में, तो कभी दाल और चावल के अंदर ये पैसे छुपा कर रखती थी, ये सोचकर कि जब घर खर्च के पैसे खत्म हो जाएंगे उस वक्त ये पैसे इस्तेमाल किए जाएंगे। जी हाँ, कुछ ऐसा करते हम सबने देखा है अपनी मम्मियों को। इन पैसों को वो छुपाती तो थी, लेकिन उन पैसों को कभी भी खुद के लिए इस्तेमाल नहीं किया। एक माँ की, एक पत्नी की सोच यही होती थी इस पैसों को छुपा कर रखने की, कि कभी तो ये पैसे काम आएंगे। इस वुमेन्स डे माँ और पत्नी की खूबसूरत आदत को कैसे याद किया, जरा आप भी देखिए। वुमेन्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं टू ऑल द वुमेन दुनिया भर में, आप सबको भी, मुझे भी। इस वुमेन्स डे पर ना मुद्दा हाउसवाइफ्स का है। वर्किंग वुमेन को अपना ड्यू मिलता है, स्टूडेंट्स जो लड़कियां हैं उन्हें अपना ड्यू मिलता है, लेकिन जो हाउसवाइफ्स हैं, जो जिनका जॉब कभी ख़त्म नहीं होता, 24 hours, 7 days a week, 365 days a year हाउसवाइफ्स काम करती रहती हैं, लेकिन उनसे सिर्फ ये कहा जाता है कि घर में काम क्या है। मेरी मॉम हाउसवाइफ रही है और लॉकडाउन में आई थिंक हम सब ने एक्सपीरियंस किया है कि हाउसवाइफ रहना क्या होता है, घर घर संभालना, घर के काम करना। तो मैं बहुत सालों से मानती हूँ, नॉट बीइंग अ फेमिनिस्ट, पर ये मैं मानती हूँ कि हाईएस्ट पेड जॉब हाउसवाइफ का होना चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ घर नहीं संभालती, घर के लोगों के मूड संभालती है, उनकी इमोशनल वेलबींग संभालती है। सो एक माँ जो होती है वो मैनेजर होती है, वो कुक होती है, वो हाउसकीपर होती है, वो साइकोलॉजिस्ट होती है, वो साइकोथेरेपिस्ट होती है, वो सब होती है, एंड शी इज़ ऑल इन वन। इट्स अ डिफ़िकल्ट जॉब फॉर हाउसवाइफ। वो जो हाउसवाइफ का काम होता है वो 24/7 चलता है। आपके माइंड में देर आर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड इट्स अ थैंकलेस जॉब। कोई आपको उसके अप्रिसिएशन नहीं देता, आपको ग्रांटेड ही लिया जाता है कि ये सब तो करना ही, और उसके लिए लाइक क्या। हर फैमिली इज़ एवरीथिंग फॉर हर। तो भले आप कहें कि वो अगर वो छुपा करके भी साइड में रखती है, तो बैक ऑफ द माइंड इट इज़ कि मुझे ये पैसे अपने फैमिली के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे परिवार के लिए मुझे खर्च करना है। तो इट्स अप टू द लेडी हाउ शी टेक्स इट। हाउसवाइफ जो होती है, जैसे उनके लिए फाइनेंशियल फ्रीडम बहुत ज़रूरी होता है उनको देना। जैसे कि सारी वर्किंग वुमेन है, जैसे हम सब हैं, हम आते हैं सुबह, पूरा दिन काम करते हैं, हम उससे अर्न करते हैं। तो हम जब अर्न करते हैं तो उसमें हमारा हक होता है कि हम इसे कहीं पर भी खर्च करें। पर एक हाउसवाइफ पे कभी कभी एक ऐसा मोड आ जाता है लाइफ में कि वो उनको समझ नहीं आता है कि वो अगर पैसे मांगे अपने हस्बैंड से, किसी भी, तो किस हक से मांगे, उनको ऐसा लगता है, क्योंकि सामने वाला कभी भी उनको ये भी बता सकता है, ऐसा बोल सकता है कि तुझे किस बात के पैसे चाहिए, तू तो घर पे रहती है, तुझे कोई काम होता नहीं है, तो घर संभाल, बच्चे संभाल। सो इट्स नॉट लाइक दैट, क्योंकि वो जितना करती हैं वो कभी कोई नहीं कर सकता। जो लेडीज़ इंडिपेंडेंट है, अच्छा उनके लिए, वो अपने लिए खुद कमा सकती हैं। जो इंडिपेंडेंट नहीं है, जो उनको कोई स्किल नहीं आती, वो घर का ही काम करती हैं, उनके काम को अप्रिसिएशन नहीं मिलता है, उनको अलग से पैसे नहीं मिलते हैं, और वो कुछ भी सहती जाती हैं उसके लिए, तो उसके लिए गवर्नमेंट को कुछ रूल्स बनाने चाहिए, या तो फिर कुछ एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करना चाहिए, या हस्बैंड की सैलरी में कुछ फिक्स कर देना चाहिए कि दिस मच अगर एक हाउसवाइफ है तो उसको अपनी वाइफ को देना ही देना है जो उसका पर्सनल है। मुझे ज्वेलरी का बहुत शौक है, मैं तो ऐसे पैसे छुपा छुपा के ड्रॉअर में, कबर्ड में रखती हूँ ना, और फिर जाके मैं ज्वेलरी बनाती हूँ। मेरे हस्बैंड आई होप ये ना देखें, ओ गॉड, बोलना नहीं चाहिए। अब उन्हें पता चल गया होगा। मेरे साथ ऐसी स्टोरी है कि मेरे जो कार्ड्स हैं, डेबिट कार्ड और
क्रेडिट कार्ड, वो दोनों के जो मैसेजेस जाते हैं ट्रांजेक्शन के, वो हस्बैंड के फ़ोन पे जाते हैं। तो कभी भी मैं अपने आप से कुछ स्पेंडिंग करूँ और एक्सपेंडिचर हो तो वो पता चलना ही चलना है। इसीलिए जब मेरे पास कभी वो कैश आ जाता है, चाहे वो 5,000 हो चाहे 2,000 हो, तो वो सीरियसली वो मेरे लिए वो अनआंसर्ड मनी की जो वैल्यू होती है ना, वो मैं ट्रूली जानती हूँ। काला धन, काला धन। मैं बहुत प्यार करती हूँ। जब मेरी बड़ी गाड़ी भी आती है ना, तो सबसे पहले मैं बच्चों को देती हूँ, उसके बाद में मैं यूज़ करती हूँ। सो फॉर मी I have not done this. I just love to share whatever I have. You are missing the real fun. English में कहते हैं a penny saved is a penny earned. तो बहुत सारी ladies जो नहीं कमा पाती वो पैसे से सेव करती हैं bargains में, या कहीं ना कहीं बचत करती हैं, deals वगैरह वो देखती रहती हैं। तो ये हाँ करती हैं ladies, मैंने भी किया हुआ है कभी ना कभी, और वो पैसा किसी अच्छी चीज़ के लिए काम ही आता है। इमली की पूरी टीम की तरफ से Happy Women's Day! है मुंबई से कलीम सलमानी और नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।